था कि सिलेक्शन के लिए रूल ऑफ एट बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। रूल ऑफ एट क्या होता है सिलेक्शन का मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, 8 घंटे तो करनी है पढ़ाई, आठ घंटे क्या करना है, स्लीपिंग, और 8 घंटे क्या करना है, रेस्ट, एंजॉयमेंट, एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, गेमिंग एक्सेट्रा। ध्यान रखिएगा, अब आराम से, टेंशन नहीं लेना है कितना करूं क्या करूं ये करूं, तो जिंदगी भी खो दोगे क्योंकि समय वापस आने वाला नहीं है, जो जिस जो मजे जिंदगी के इस उम्र में लेने वो इसी में लेने, क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, अपने तो 8 घंटे की बढ़िया पढ़ाई करनी है, 8 घंटे दबा के नींद लेनी है, और 8 घंटे क्या करना है, रेस्ट करो, एंजॉयमेंट करो, क्रिकेट खेलो, व्हाट्सएप चलाओ, फेसबुक चलाओ, दोस्तों से बातों करो, दोस्तों की शादियों में जाओ, लोगों से मिलो, मम्मी पापा के साथ में बैठो, रिश्तेदारों को जानकारियां दो, पड़ोसियों को जलाओ, खुद के जलवे बरकरार करो, डांस करो, खाना खाओ, नेट सर्फिंग करो, जो करना है वो करो। तो इसे बोलेंगे रूल ऑफ 10, और रूल ऑफ 10 को मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा, हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, बस यही एक किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीता हुआ पल कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। अरे रोने का टाइम कहां है, सिर्फ मुस्कुराओ, ये दुनिया कहेगी तुम्हें दीवाना, पागल, आवारा, बस याद रख लेना, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जिंदगी कभी भी वापस से नहीं मिलने वाली है। एक सीटीसी बार बार लिख रहा है बच्चा, कंट्रोल कोल्ड ट्रैक्शन बोला जाता है, क्लियर है? ध्यान रखिएगा, तो ये समय है, इसका बढ़िया से इंजाम करें और अच्छे से जिए, पढ़ाई करें, मेहनत करें, सिलेक्शन निकाल के लाएंगे, क्योंकि तुम्हें जितना आता है उतना किसी को नहीं आता है, और जो तुम्हें नहीं आता वो पूरे विश्व में किसी को नहीं आता है। तो हंसते रहना है, क्योंकि पड़ोसी को पता चलना चाहिए कि इसमें बड़ी खुशी है, अरे इसमें बड़ा तेज है, इसमें जोश जुनून, इसमें पागलपन है, अरे ये करके दिखाएगा, ये गूगल को हैंग करके दिखाएगा, और तुम्हारे दिल से आवाज आनी चाहिए कि सर आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू इट, मैं कर सकता।